lord krishna Naman all of you i am raju yadav your science teacher dear student today we discuss about our new chapter nutrition in animals all animals, including humans need certain nutrients to stay alive and grow these nutrients are obtaining from food the food यू ईट फीडिंग इज नॉट इन अ फॉर्म दैट कैन इंस्टेंटली प्रोवाइड यू विद न्यूट्रीएंट्स डे स्ट्रेंड फर्स्ट इट हैज़ टू ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉल पार्टिकल सिंपल कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ठीक है दीज पार्टिकल मस्ट देन बी चेंज इन टू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म which the body cells can absorb only then can food provide nutrients the various process involved in nutrition uh, in animals that take in solid form as follow this trend you can see uh, uh, included phase uh, is ingestion, movement mechanism and chemical digestion absorption eliminations so we discuss about in deep. Uh, first we discuss about digestion. Um, digestion is the breakdown of food. Digestion is the breakdown of food into a simple soluble from form with the help of digestive juice made in the body again. एक बात दोबारा सुनिए आप डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड क्या है ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड है अ सिंपल सोल्यूबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस मेड इन द बॉडी मैकेनिज्म में हमें सबसे पहले चबाना पड़ेगा टीयर टीअरमीस होता है फाड़ना हमें भोजन को फाड़ना पड़ेगा ग्रिड माने पीसना पड़ेगा मस में हमें एकदम कायमा टाइप का बनाना पड़ेगा मिक्स करना पड़ेगा सैलाइा के साथ ये तो आपका मैकेनिकल प्रोसेस है जो फिजिकल मोस्टली माउथ में होगा उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रोसेस की तो केमिकल प्रोसेस जो है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस जो है एंजाइमेटिक प्रोसेस है एंजाइम्स रिएक्शन टू इम्प्रूव डाइजेशन ऑफ अब यहाँ पे डाइजेशन होगा किस किस का डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड ओके तो कार्बोहाइड्रेट द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट जितने भी सब्सटेंस जो स्वाद में मीठे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक सबिस्टेंस डियर स्टूडेंट यू नो प्रोटीन कंसिस्ट विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड ट्वेंटी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कंसिस्ट प्रोटीन लिपिड फैटी एसिड से बने होते हैं तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं ठीक है स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टार्ट होता है माउथ से और माउथ से स्टार्ट होने के बाद गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक के थ्रू जाता है तो इसमें ट्यूब ट्यूब विदा ट्यूब डायरेक्टली लिंक पथ बिटवीन ऑर्गन और, और कौन कौन से ऑर्गन से होता है स्ट्रक्चर दिया हुआ है सबसे पहले माउथ फिर होता है एलिमेंट्री कैनाल फेरिंग्स एसोफेगस फिर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम डियर स्टूडेंट हम इन सभी पॉइंट्स पर हम आपको डीप में ले जाएंगे जित इंटेस्टान, लार्ज इंटेस्टाइल और जो भी ग्लाइंट्स हैं जैसे कि लीवर पेनक्रियाज बॉडी में जितनी भी ग्लाइंट हैं हम हर एक के बारे में आपको डीप में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है स्टूडेंट माउथ तो सबसे पहले हम माउथ की बात कर लेते हैं डाइजेशन इन द माउथ फूड इज टेकन इन और इनजेस्टेड थ्रू द माउथ डाइजेशन बिगिन इन साइड योर माउथ व्हेन यू चू द फूड जब आप भोजन को चबाते हैं थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड आई थिंक पिज्जा डज योर माउथ वाटर जब आप पिज्जा खाएंगे तो क्या होगा लार के साथ आपका जो भोजन है वो मिक्स होगा द बैटर इन योर माउथ इज डाइजेस्टिव जूस जो है वो क्या होता है सलाइवा लार हमारे मुंह में लार जो होता है सलाइवा होता है सेलिवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है ठीक है स्टूडेंट तो इट इज सेक्रीड बाई थ्री पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लाइंट कितने पेयर होते हैं स्टूडेंट थ्री पेयर याद रखना सेलिवरी ग्लाइंट के कितने पेयर होते हैं थ्री पेयर और क्या होगा च्विंग्स ब्रेक्स डाउन द फूड इन टू स्मॉल पीसेस एंड मिक्स इट इसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर इसे मिक्स किया जाएगा विद सलाइवा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहेंगे हम मेस्टिकेशन कहेंगे मतलब छोटे टुकड़ों में तोड़ना और सलाइवा के साथ मिक्स करना कहलाता है मेस्टिकेशन योर टीथ कट ट्रिंड एंड फूड बिफोर योर सोलो इट जब आप इस भोजन को तो उससे पहले आपको भोजन को काटना पड़ेगा फाड़ना पड़ेगा पीसना पड़ेगा उसके बाद आप निगल पाओगे यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ टू दीज़ जॉब्स अ दीजल्ड हैज ओनली ट्वेंटी टीथ टेन इन ईच जो छोटा बेबी होता है उसके पास केवल ट्वेंटी दांत होते, है, होते है. हैं ट्वेंटी तीत होते हैं दीज आर नॉन एज मिल्क टीथ आप सबके जो मिल्क टीथ हैं वो शायद गिर चुके होंगे दे फॉल ऑफ बाई द एज ऑफ टेन एंड आर रिप्लेस्ड बाई लार्जर पर्मेंट टीथ और बाद में जो आ, उनको रिप्लेस करके जो तीथ आते हैं उन्हें हम परमानेंट तीथ कहते हैं दिस सेट कंटेनिंग थर्टी टू टीथ डियर स्टूडेंट ये थर्टी टू टीथ होंगे दैट्स मीन सिक्सटीन ईच जो लोअर uh, जो में भी सिक्सटीन और अपर जो में भी सिक्सटीन होंगे ठीक है डियर स्टूडेंट आपको बॉडी की हर एक बॉन्ड का नाम भी हम आपको याद कराएंगे एक हम वीडियो देंगे जिसमें आपकी बॉडी की हर एक बॉन्ड को हम तैयार कराएंगे ठीक है तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे तीत की तो देर इज फोर इन्सीजर टू केनाइन फोर प्रीमोलर एंड सिक्स मोलर इन ईच जॉ देखो फोर और टू सिक्स और फोर टेन और सिक्स सिक्सटीन Uh, बिल्कुल तो देयर आर फोर इंसीजर टू के नाइन फोर प्रीमोलर एंड सिक्स मोलर इन ईच जो अपर जो एंड लोअर जो ठीक है फील द डिफ्रेंट सेफ ऑफ योर टीथ विद योर टंग योर फ्रंट टीथ आर नॉन एज इंसीजर जो आपको सामने से दिखते हैं जब आप स्टूडेंट हंसते हैं तो सामने वाले जो दांत होते हैं उन्हें हम इंसीजर कहते हैं अच्छा नेक्स्ट इंसीजर आर केनाइंस, जो साइड के दो बड़े दांत जिसे हम मोस्टली लॉइंस टीथ या फिर टाइगर टीथ के नाम से भी जानते हैं हम समझ पाते हैं कि जो टाइगर के बड़े बड़े दांत होते हैं केनाइन ठीक है आ, बिल्कुल आ, केनिस फेमलेरिस याद आया डॉग डॉग का नाम होता है कैनिस फेमिलेस मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपको जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम भी याद कराएंगे जिससे कि हम बायो की गहराइयों को समझ सकें दीज आर पॉइंटेड जो किनाइंस uh, होते हैं कैसे होते हैं पॉइंटेड होते हैं एंड आर यूज्ड फॉर पियरसिंग्स एंड टीयरिंग पीस ऑफ द फूड सच एज मीट द टीथ एट द बैक ऑफ योर माउथ आर ब्रॉड विद ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस आपका जो माउथ का सरफेस होता है वो कैसा होता है ऑलमोस्ट फ्लैट होता है दीज क्रस एंड ग्रिड द फूड यहाँ पर हम भोजन को क्रस करते हैं और पीसते हैं दीज आर कॉल्ड प्री मोलर एंड मोलर तो जो दांत पीसने वाले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्रीमोलर एंड मोलर कहते हैं मोलर आर लार्जर देन प्रीमोलर मोलर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बड़ा होता है द वाइट सब्सटेंस डेट कवर्ड योर टीथ इज कॉल्ड एनिमल प्यारे विद्यार्थियों हमारे दांतों के सबसे अपर जो लेयर है उसे एनिमल कहते हैं एनिमल्स में ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अब आप पे आपसे कोई पूछे तो बताओ प्लांट में सबसे हार्डेस्ट क्या होता है तो आप बताएंगे पॉलिन ग्रेन पॉलिन ग्रेन जो होता है स्टूडेंट उसका जो अपर पार्ट है जिसे हम एग्जाइन कहते हैं एग्जाइन प्लांट में सबसे हार्ड है एनिमल्स में सबसे हार्ड है द इन योर माउथ हेल्प टू ब्रेक डाउन स्टार्च ऑफ द फूड इन टू सुगर यानी टू सोलो बाई द मेकिंग इट वेड एंड स्लीपरी डियर स्टूडेंट अब हम थोड़ा स्लाइड से डिस्कस करते हैं तीथ मेकेनिकली ब्रेक डाउन फूड सीधी सी बात है स्मॉल पीसिस में टंक्स मिक्स फूड विथ सेवा और हमारी जो टंक्स है वो सेलेबा के साथ फूड को मिक्स करता है कंटेन एम आइलेज विच अ हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च तो एम जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है एपिग्लॉटिश इज आ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज द बैक ऑफ द थ्रॉड इज क्लोजर ओवर द ट्रैकिया प्रिवेंटिंग फूड फ्राम एंट्रिंग एट तो आपका जो एपिग्लॉटिस है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल अंदर की तरफ है ठीक है तो ये क्या करेगा भोजन को वापस आने से रोकेगा और ठीक है जिससे कि आपका भोजन मतलब क्लोजर ओवर द ट्रेकिया पूरे ट्रेकिया पे क्या करेगा ये वापस ना आए प्रिवेंट फूड इंटरिंग इट एक बार भोजन अगर आप निगल चुके हैं तो वो वापस ना आए तो उसके लिए एपिग्लॉटिस जो है उसको रोकने का कार्य करेगा